अस्सलाम असल वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है देखते हैं जी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट पहले हमें यह देखना है कि एफ एक फील्ड है फील्ड का सेट है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है वी नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यह है कि इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं इसको हमने कोई स्पेसिफिक सेट uh, का नाम नहीं दिया वैसे वैसे एक नॉन एम्प्टी सेट है एफ फील्ड है वी नॉन एम्प्टी सेट है Whose elements and operation of addition is defined. कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उन पे जो अडिशन का ऑपरेशन है वो डिफाइंड है फर्स्ट कंडीशन ओके सपोज दिलोंग टू एफ ए जो है एफ से बिलोंग करता हो वी बिलोंग्स टू वी ए जो है वो फील्ड के सेट से बिलोंग करता हो वी जो है वो जो वी नॉन एम टी सेट है उससे बिलोंग करता हो ए वी इज एलिमेंट ऑफ वी ए वी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एलिमेंट ऑफ वी का एलिमेंट्स उनसे बिलोंग करता होगा ए वी जब हम इन दोनों को ए और वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो बिलोंग करता होगा वी के एलिमेंट्स से दो वी इज देन वी इज वेक्टर स्पेस ऑन फील्ड एफ इसका मतलब ये है कि जब ए फील्ड से बिलोंग करता होगा वी हमारा सेट वी से बिलोंग करता होगा तो जब हम ए और वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वी सेट से बिलोंग से करता होगा और ये ए वी जो होगा ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा वी की ऑन फील्ड एफ इस तरह हमने सपोज करना है ए कोई एलिमेंट है जो एफ फील्ड से है वी कोई एलिमेंट है जो वी फील्ड सेट से है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा ए वी तो ए वी जो होगा ये आंसर जो आएगा वो एलिमेंट ऑफ वी से बिलोंग करेगा जब वो एलिमेंट ऑफ वी से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये वी जो है ये वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ वी जो है वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ अब इस वेक्टर स्पेस के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करना जरूरी है यहां पे लिख दी गई हैं एग्जाम्स फॉर वेक्टर स्पेस एग्जाम्स मतलब प्रॉपर्टीज वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो वेक्टर स्पेस जो है होल्ड करता है सबसे पहले ये वी इज अबिलियन ग्रुप अबिलियन ग्रुप है अबिलियन ग्रुप को हम बार हर डिस्कस कर चुके हैं अबिलियन ग्रुप क्या है ऐसा सेट है जिस पे क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स इनवर्स ऑफ एलिमेंट जब ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज एक दफा ही कोई सेट होल्ड कर रहा हो या सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो हमारा सेट जो होगा अबिलियन ग्रुप कहलाया जाएगा अब ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है तो ये अबिलियन ग्रुप होगा भी अगर उसके बाद ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि a को वी के साथ और वी a को डब्ल्यू के साथ ये प्रॉपर्टी कौन सी है अगर हम इसको रिकॉल करें कॉन्सेप्ट को तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा है कि ए जो है ये बिलोंग कर रहा है फील्ड एफ से और वी और डब्ल्यू जो है ये बिलोंग कर रहे हैं सेट से जो नॉन हमने जिसको बोला था तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी उसके बाद प्रॉपर्टी right right में ए बी प्लस बी वी आ रहा है अब ये कह रहे हैं कि इसमें हमने ए और बी जो है ये बिलोंग किए हैं सेट एफ से और V जो है ये बिलोंग कर रहा है सेट वी से इसी तरीके से ये है जी हमारी ए और बी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं सेट एफ से और वी बिलोंग कर रहा है सेट वी से उसके बाद वन इन डॉट वी वन डॉट वी का मतलब क्या है वन मल्टीप्लीकेटिव आईडेंटिटी के हवाले से इसका आंसर जब वी आएगा तो वन जो होगा वो

F अब ये जो ए वी है यहां पे आया हमारा ये एलिमेंट ए जो है वो सेट एफ से बिलोंग कर रहा है वी जो है सेट वी से बिलोंग कर रहा है अब ये जो ए के तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं ये हमारे स्केलर एलिमेंट्स क्या लाते हैं एलिमेंट्स ऑफ एफ एफ ये कहलाते हैं स्केलर एलिमेंट्स स्केलर क्वांटिटीज जैसे हम बोलते हैं स्केलर एलिमेंट्स होंगे v, के जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं वेक्टर्स अब चूंकि स्केलर और वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है इस प्रोसेस को इस जो हमारा प्रोडक्ट आया है ए को वी के साथ मल्टीप्लाई करने का इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एंड सेट वी अब यहां पे ए और वी का जो मल्टीप्लिक मल्टीप्लीकेशन है स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसका आंसर आ रहा है वी और ये वी जो है ये बिलोंग कर रहा है नॉन-एम्प्टी सेट को ब, बता रहा है इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है V की ओवर फील्ड F अगर ये है तो ये V की ओवर फील्ड V एलिमेंट की A एलिमेंट पे वेक्टर स्पेस है इसका मतलब V जो है ये वेक्टर स्पेस है और A जो है वो फील्ड से बिलोंग करता है तो ये वेक्टर स्पेस है V ओवर F यही इस चीज को डिनोट कर रहा है मेरी कॉम के नौजवानों इस लेक्चर में हमने देखा है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और वेक्टर स्पेस होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करना जरूरी है कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें अल्लाह ने के बाद